बुलेट चढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि बाप रे बुलेट से ज्यादा नौटंकी नहीं की, दोनों का टक्कर हुआ है, उसके नाक से ब्लड वैसे गिर रहा था जैसे टोटी पानी निकलता है। हेलमेट अच्छा है, कम से कम आदमी तो कंफ्यूज है कि अंदर लड़का अच्छा। बहुत एक्सीडेंट भी होता है ससुराल बुलेट से। अरे बहुत यार, चलाने में तो बहुत हल्का होता है। देखिए गाड़ी जितना भारी जितना भयानक रहेगा उसको चलाना उतना ही इजी रहेगा, चाहे बाइक हो या फोर व्हीलर। बुलेट बुलेट चढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि बाप रे घोड़ा का लगाम आ गया हाथ में, लगता है चेतक है ये। लेकिन बुलेट से ज्यादा नौटंकी नहीं कीजिएगा, क्योंकि हमारे जान पहचान में हमारे लगभग 3-4 आदमी का देखे हुए एक्सीडेंट यहाँ पे। 2021 में एक बहुत मतलब अच्छा लड़का था, एप्लीकेशन वगैरह में काम करता था, ऑनलाइन वगैरह एप्लीकेशन तो 20 में ही आया था लॉकडाउन के समय। उसी लॉकडाउन के समय मिला, बहुत अच्छा लड़का था, हरियाणा का था, उसको बुलेट का बहुत शौक था। वो हरियाणा से निकल दिया लगभग 150 किलोमीटर दूर जाने के लिए बुलेट को मॉडिफाई कराने के लिए। इसी बीच वो गली से मेन सड़क पर चढ़ रहा था, गाँव से मेन सड़क पर आ रहा था, मेन सड़क पर ट्रक जा रही थी, दोनों का टक्कर हुआ है। उसके नाक से ब्लड वैसे गिर रहा था जैसे टोटी में पानी निकलता है। टोटी से कैसे पानी निकल रहा, धाम से लगा। और आजकल के लड़का लोग को पता नहीं क्यों हेलमेट से खराबी है, उनका बाल बिगड़ जाएगा हेलमेट में। हाँ झाड़ के लगता है बहुत, तुम हीरो लगता है। अरे बिना झाड़े और बाल झाड़ के दोनों में दलिद्रे लगते हो, इसलिए हेलमेट पहनिए। हेलमेट अच्छा है, कम से कम आदमी तो कंफ्यूज है कि अंदर लड़का अच्छा होगा। हाँ हेलमेट निकालते दूर ये दलिद्र है, चलो जी इधर चले आप, बेटर है। आप लोग क्या लगा के रखिए, लड़का से तो मोटरसाइकिल ले लेता है सब, तो खचरे ही करने लगता है, सही चलाएगा। देखिएगा कोई लड़की है तो अब देख के कहती है एकरा से तो हम कबो भाव ना दे, तू इसका लक्षण ठीक नहीं, बैठाएगा तो गिरा देगा हमको, ये ठीक नहीं है। तुम लोग गलत सिलेबस से पढ़ लिया है, नहीं समझा। स्कूटी लड़की सबका स्कूटी अच्छा, लड़की लोग स्कूटी लेती हो खरीदती तो थोड़ा सा जब ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए तभी सड़क पे लेके उतरना, चल पता चला स्टेयरिंग संभालना आ गया, स्केलेटर बैलेंस हो गया, चल दिए। अरे उसका कम से कम आपको प्रैक्टिस होना चाहिए 100-150 घंटे का, 100-150 घंटे का प्रैक्टिस हो गया तब ठीक ठाक ले जाइए। या फिर अगर प्रैक्टिस करना है तो खाली समय में लेके जाइए, यहाँ पे 20 सड़क ये पे चढ़ा दे यहाँ पे। कोई भी चीज प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करे, प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। प्रैक्टिस रहेगा तो ठीक है, प्रैक्टिस छूटा रहेगा तो दिक्कत आएगा यहाँ पे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब हम अपना गाड़ी चलाएं तो हमको, हम तो कभी कभी चलाते हैं, समझ में आ, मेरा ड्राइवर चलाए उसका दिन भर का काम वही है, किस चीज का, उसको भी चलाने आता है हमें भी चलाने आता है, बस अरते अंतर किस चीज का, उसको प्रैक्टिस ज्यादा हो सकता है कि हमसे पहले घुमा दे, या ज्यादा दिक्कत किस में आता है, फोर व्हीलर की सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग या बैक करने में। बाकी मेन समस्या क्या, जितना बड़ा फोर व्हीलर उतने चलाने में आसानी, जितना छोटा फोर व्हीलर उतना दिक्कत, नीचे रहेंगे दिखवे नहीं करेगा, बड़का फोर व्हीलर में ऊपर बैठे हैं सब दिखता है, कितना जगह है, मोड़ 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 इधर लग जीते आप, ट्रक में और दिक्कत नहीं तो सोचो खोपड़िया पे चढ़ल रहता है, नीचवा देख के बतियाता है कौन गाड़ी हो, बोलो रो निकलो निकलो फोड़ देंगे फोचका ऐसा। जितना बड़ा गाड़ी उतना चलाने में आसान, जितना छोटा गाड़ी उतने ज्यादा समझ दिखता नहीं ना, पूरा ब्लाइंड एंगल ज्यादा हो जाता है।